गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनी श्री श्री शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ बुध ग्रह का विशेष राशिफल लेकर। बुध ग्रह जो वक्री चल रहे थे, अब 12 जुलाई से मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह का वक्री होना, बुद्धि का खराब हो जाना, बुद्धि का नष्ट हो जाना, छुआछूत से संबंधित बीमारियों का फैलना, जैसे इस समय महामारी फैली हुई है वो छुआछूत से ही सबसे ज्यादा हो रही है। काम धंधे में रुकावट आना, आमदनी का खत्म हो जाना और नित्य प्रति नई नई परेशानियों का बढ़ जाना, इन सब चीजों का सबक बनता है। तो किस राशि वाले व्यक्ति को बुध ग्रह अब मार्गी होने के पश्चात क्या क्या लाभ देने वाले हैं, इस विषय में मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो उससे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आसमान में ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। तो 12 जुलाई को आसमान में शुक्र देवता वो मार्गी होकर अपने स्वयं के घर में वृष राशि में विराजमान है। बुध देवता वक्री होकर 12 जुलाई को अपने ही घर में विराजमान है, किंतु 12 जुलाई के खत्म होते होने से पूर्व वो मार्गी हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। यहीं पर राहु महाराज वक्री होकर और सूर्य देव भी यहीं पर ही मिथुन राशि में विराजमान है। बात करते हैं धनु राशि में बृहस्पति देवता और केतु महाराज विराजमान है वक्री होकर दोनों जने। मकर राशि में शनिदेव जी विराजमान है वक्री होकर विराजमान है और मीन राशि में मंगल देवता विराजमान है, चंद्र देवता भी यहीं पर विराजमान है। तो यह है ग्रह गोचर की एग्जैक्ट स्थिति। तो इसके अनुसार हम सबके जीवन में बुध देवता के मार्गी होने से क्या क्या शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है, उस सबके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपने पूर्व में सब्सक्राइब कर दिया हो और गलती से आप अब दोबारा से सब्सक्राइब करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रखें। और ऑल नोटिफिकेशन के लिए इसे घंटी का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके नोटिफाई भी करें, शेयर करें या ना करें, किंतु सनातन हिंदू धर्म की यह ज्ञान रूपी गंगा निरंतर बहती रहे। आपके मुख से निकलकर किसी और के मुख तक, मेरे मुख से निकलकर किसी और के कानों तक पहुंचती रहे। तो इस ज्ञान रूपी इस तरह के जितने भी वीडियो आपको लगे उनको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए मैं और अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करता हूँ मेष राशि वालों के लिए बुध ग्रह के वक्री होने से मार्गी होने पर क्या फल आने वाला है। तो बुध ग्रह का मार्गी होना मेष राशि वालों के लिए उनके बाहुबल में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। जो अभी तक उनके भाई बहनों के साथ उनके संबंधों में खराबी आ रही थी, कट तो आ रही थी, वो धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएगी और उनको शुभ फल प्रदान होने लगेंगे। वृष राशि वालों की बात करते हैं तो वृष राशि वालों के लिए जो परिवार जन है ना, जो अभी तक उनके विरुद्ध चल रहे थे, उनके खिलाफ थे, वो अब उनको अपना मानकर उनका फुल टू फुल मदद करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की जो बुद्धि उल्टी घूम रही थी चारों दिशाओं में, अब वो उनको शुभ फल प्रदान करेंगे। फुल टू फुल उनका बुद्धि उनके कंट्रोल में रहेगी और जिसकी वजह से वो अपने मानसिक बल में काफी लाभ की प्राप्ति करेंगे। उन्हें हर तरीके से लाभ की प्राप्ति धीमे धीमे करके होनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों की बात करें तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह का मार्गी होना अशुभ फल ही देने वाला है। उनको सुखता नहीं होगी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनकी बुद्धि का ह्रास हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध देवता निश्चित रूप से उनकी आमदनी में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अभी तक आमदनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। कन्या राशि वालों को बुध देवता मार्गी होने के पश्चात उनके व्यापार में, उनकी नौकरी में तरक्की कराएंगे, उन्नति कराएंगे, इंक्रीमेंट प्रमोशन होने के चांस बढ़ेंगे। नौकरी जिनके पास नहीं उनको नौकरी बनने के चांस बनते चले जाएंगे। कन्या राशि वालों की बात करता हूँ। और अगर मैं तुला राशि वालों की बात करूँ तो तुला राशि वालों के लिए बुध देवता उनके भाग्य में बैठे हुए भाग्य के मालिक है, तो उनके भाग्य को बहुत मजबूत कर देंगे जो अभी तक ठीक नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर तुला राशि के वालों के लिए भी बहुत लाभदायक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बुध देवता का मार्गी हो जाता
और बात करूंगा मैं ये वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध देवता जो कारक बने हुए थे वो कारक यहाँ पर वो बने हुए हैं उनकी आमदनी के कारक और उनकी ससुराल पक्ष के कारक। तो निश्चित रूप से आमदनी में तो ठीक रहेगा, उनको फायदा होगा, लेकिन ससुराल पक्ष से भी कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बुध के अष्टम हो जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम का सबब भी बनता है, या ध्यान रखें। और बात करूं मैं धनुराशि वाले व्यक्ति की, तो उनके जीवन साथी जिससे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो गए, तो जीवन साथी की वजह से जो पोर्शन खराब हो रहा था उनकी लाइफ में वो अब सुधरने लगेगा। जिन लोगों को जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हुई तो उन लोगों को जीवन साथी की प्राप्ति होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस समय धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशली जीवन साथी के प्राप्त होने की संभावना, जिनकी शादी नहीं हो रखी उनके लिए जीवन साथी के प्राप्त होने की संभावना, और जिनकी जीवन साथी ऑलरेडी है तो उससे मधुर संबंध बनने के दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करूंगा मैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, तो मकर राशि वाले के लिए यहाँ सबसे ज्यादा खतरा मकर राशि वालों के लिए बुद्ध देवता का मार्गी होना उनके लिए बीमारी की संभावना बढ़ाएगा, छुआछूत से लगने वाली बीमारी को लिए मकर राशि वाले व्यक्ति विशेष रूप से सावधान रहे। और यहाँ इनके तांत्रिक बीज मंत्रों का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, उनको प्रसन्न करिएगा ताकि आपको कोई पीड़ा ना दे सके। और बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो यहाँ वो संतान के कारक बने हुए हैं, संतान सुख प्राप्त करा सकते हैं तो उनसे, और जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई लिखाई में लाभ कराएंगे, यानी आपकी संतान से आपको खुशियां प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और वो आगे बढ़ने की तरक्की की और आगे बढ़ेंगे। और जो मीन राशि वाले व्यक्ति हैं उनको माता के साथ सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिल सकता है और मकान का सुख भी मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो इन सभी स्थितियों का आकलन करके आप लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करिएगा। ये ट्रू स्थिति है जो आपके सामने मैंने पेश की है, जो बनती हुई नजर आ रही है आप सभी के ग्रह गोचर। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी नए दैनिक राशिफल के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa, and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishiji. My experience with Guru Rajneesh Rishiji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I've sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmini Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maharaj, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peet at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help from. Thank you.